जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। मेरा आज का जो वीडियो है BSF, जी हाँ BSF हेड कॉन्स्टेबल RORM की जो वैकेंसी जिसकी जानकारी मैंने आप लोग को दी थी आने वाली है, आप लोग की जो है रिक्रूटमेंट यहाँ पे आ चुकी है। 1312 टोटल वैकेंसी है, आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होंगे जो कि 20/8/2022 से 19/9/2022 तक आप लोग के होने वाले हैं। आप लोग देखेंगे वीडियो को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दे दूंगा, लिंक पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे, आप लोग को पूरी डिटेल यहाँ पे मिलेगी। 1312 टोटल वैकेंसी, 20/8 से 19/9 तक आप लोग को यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना है। इसके अलावा जैसे ही आप लोग नीचे आएंगे तो आप लोग को RORM की पूरी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पे दी गई है, 10th+ITI, 10th+ITI, ठीक है। पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को वीडियो मिलेगी, वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे। इसके अलावा एग्जामिनेशन फीस 1000 रुपये लगने वाले, जनरल OBC SC ST फीमेल वालों को कोई फीस यहाँ पे नहीं देनी है, जो भी है CST सेंटर के चार्जेस वगैरह हैं, ठीक है। एज आप लोग देखेंगे 18 से 25, जनरल OBC 18 से 28, SC ST 18 से 30 साल रहने वाली है। इसके अलावा आप लोग की वैकेंसी रेडियो ऑपरेटर के लिए 982 और रेडियो मैकेनिक के लिए आप लोग जो 330, टोटल 312 आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है। नीचे सिलेबस है, सिलेबस में आप लोग का रिटर्न, फिर फिजिकल, उसके बाद आप लोग का रिटर्न, मेडिकल वगैरह आप लोग का होने वाला है, ठीक है। सिलेबस भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप लोग नोटिफिकेशन का लिंक और इसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई का लिंक आप लोग को दोनों मिल जाएगा। तो फुल नोटिफिकेशन के लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे कि इस प्रकार का आप लोग का पेज ओपन हो जाएगा। जी हाँ, ये है आप लोग का फुल नोटिफिकेशन BSF हेड कॉन्स्टेबल RORM का। तो वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक सुनेंगे ताकि ऐसा ना हो कि आप लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो। आप लोगों को पता होना चाहिए कि BSF के बहुत से फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, तो ऐसा आप लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप लोगों ने BSF कॉन्स्टेबल ट्रीट्समेंट के लिए अप्लाई किया है तो चक्षु प्रकाशन की बुक मार्केट में आई हुई है, काफ़ी अच्छी बुक है, इसे आप लोग परचेज कीजिए। इसमें आप लोग का पूरा सिलेबस कवर किया गया है, GK रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, चैप्टर वाइज आप लोग का सिलेबस कवर किया गया है। इसके अलावा इनकी प्रैक्टिस सेट आती है, प्रैक्टिस सेट आप लोग लीजिए। प्रैक्टिस सेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है रिटर्न एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट लीजिए और इनके बुक्स को परचेज कीजिए। ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया हुआ है, ऑनलाइन परचेज कीजिए। ऑफलाइन भी आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो अभी बात है यहाँ पे आप लोग की RORM के लिए, ठीक है। RORM BSF में यहाँ पे मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस चीज़ को आप लोग नोट करके ले लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों जो ऑनलाइन अप्लाई 20/8 से 19 सितंबर तक है, मैंने आप लोगों को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है यहाँ पे, और पूरी जानकारी आप लोग को मिलेगी। सैलरी आप लोग की 25,500 से 81,107 CPC आप लोग की लगने वाली है, ठीक है। अलाउंसेस वगैरह आप लोग को मिलेंगे। अब यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल नीचे दी गई है, वैकेंसी में आप लोग देखेंगे हेड कॉन्स्टेबल RO के लिए आप लोग की जो टोटल 982 वैकेंसी है, इसी प्रकार से हेड कॉन्स्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए आप लोग की 330 वैकेंसी है। वैकेंसियाँ बहुत ही अच्छी हैं आप लोग के लिए। चलिए वैकेंसी की डिटेल आप लोगों ने ले ली, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे हेड कॉन्स्टेबल RO के लिए OBC की वैकेंसी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग RM में अप्लाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं, RM में सभी के लिए वैकेंसी है, SC ST OBC की, तो आप लोग दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी एक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोग को क्लियर करता चलूँ, बिल्कुल। चलिए इसके बाद आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आएँ लेकिन क्वालिफिकेशन आप लोग की होनी चाहिए। चलिए इसके बाद नीचे आने के बाद आप लोग देखेंगे BSF की वेबसाइट से ही आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होंगे, ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो मैं आप लोग को प्रोवाइड करने वाला हूँ जल्द ही। इसके अलावा आप लोग को जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनका भी कोटा रहने वाला, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रिटर्न एग्जाम की जानकारी, यानी फर्स्ट फेज के रिटर्न एग्जाम की जानकारी भी यहाँ पे आप लोग को दे दी है। 20 नवंबर की डेट है संडे की, आप लोगों को 9 से 11 के बीच में और 2 बजे से 4 बजे के बीच में आप लोगों को जो है यहाँ पे एग्जाम होने वाले, 9 से 11 के बीच में हेड कॉन्स्टेबल RO का और 2 से 4 के बीच में आप लोगों का हेड कॉन्स्टेबल RO RM का एग्जाम होने वाला है। यानी कि यहाँ पे आप लोग जो है दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई करेंगे, यदि आप लोग दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो, ठीक है। यदि दोनों के लिए करना चाहते हैं, किसी एक के लिए करना चाहते हैं तो किसी एक के लिए आप लोग करेंगे, क्योंकि रिटर्न एग्जाम भी आप लोग का अलग अलग ही होने वाला, बिल्कुल क्लियर जानकारी आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का OMR बेस एग्जाम होने वाला है सेकंड फेज, यदि आप लोग रिटर्न एग्जाम क्लियर करते हैं तो सेकंड फेज में आप लोग का फिजिकल यानी कि PET PST डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है, जो कि 16 जनवरी 2023 में आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। सेकंड स्टेज आप लोग का होने वाला है। सेकेंड स्टेज के अंदर यदि आप लोगों ने हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया हेड कॉन्स्टेबल RO के लिए, तो आप लोग का यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव डिक्टेंशन टेस्ट भी आप लोग का होने वाला है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हेड कॉन्स्टेबल RO वालों के लिए ही है, RM वालों के लिए ओनली और ओनली यहाँ पे PET PST और डॉक्यूमेंटेशन ही होगा, जो कि 16 जनवरी 2023 को होने वाला, बिल्कुल नोट करके रखिए इस चीज़ को। इसके बाद आप लोग का थर्ड फेज यहाँ पे मेडिकल होगा, जो कि 15 फरवरी 2023 की डेट, बिल्कुल डेट क्लियर करते चल रहा है BSF, बहुत ही अच्छी बात है।
इसके बाद आप लोगों को फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा, चाहे वो हेड कॉन्स्टेबल आर ओ हो या फिर आर एम ओ। आर ओ के लिए यहाँ पे क्लियर कर दिया गया 250 नंबर हैं, जैसे कि आप लोगों को 200 नंबर का यहाँ पे रिटर्न एग्जाम है और 50 नंबर का डिटेंशन का कोर्स जो आप लोगों को अभी ऊपर दिखाया है मैंने। लेकिन हेड कॉन्स्टेबल आर एम के लिए ओनली और ओनली आप लोगों का 200 नंबर का रिटर्न एग्जाम होने वाला है, ठीक है। इसके बाद फिजिकल सभी का होने वाला, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप लोग को यदि मेरिट में कुछ मार्क्स वगैरह सेम होते हैं तो जिनके नाम ऊपर होंगे अल्फाबेटिकल, उन्हें पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। दोनों के लिए एलिजिबल है, दोनों को अप्लाई कीजिए। एक के लिए एलिजिबल है, एक अप्लाई कीजिए जिसमें वैकेंसी है उसमें अप्लाई कीजिए, जैसे चाहें वैसे अप्लाई कीजिए, लेकिन अलग अलग अप्लाई होंगे, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन हेड कॉन्स्टेबल आरओ के लिए यहाँ पे रेडियो ऑपरेटर के लिए है, आप लोग 10th क्लास पास होने चाहिए और आईटीआई आप लोग की होनी चाहिए। आईटीआई आप लोग की किस में हो सकती है, या तो आप लोगों ने रेडियो एंड टेलीविजन में किया हो, या फिर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो, या फिर आप लोगों ने कंप्यूटर ऑपरेटर में किया हो, प्रोग्रामिंग में, असिस्टेंट में, या फिर डाटा प्रिपरेशन में किया हो, या फिर आप लोग एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर में कर रखा है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, हेड कॉन्स्टेबल आरओ के लिए एलिजिबल हैं। चलिए, इसके अलावा यदि ये चीज़ नहीं है तो आप लोग 12th पास हैं सिंपल, यानी कि आप लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12th कर रखा है तो भी आप लोग एलिजिबल हैं, लेकिन 60% आप लोग के PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में होने चाहिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी प्रकार से आप लोग यदि हेड कॉन्स्टेबल आर एम के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोग 10th क्लास पास होने चाहिए और ITI आप लोग की होनी चाहिए रेडियो एंड टेलीविजन में, या फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में, या फिर डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, या फिर इलेक्ट्रीशियन और फिटर, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, या फिर आप लोग का कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस, या फिर आप लोग का कंप्यूटर हार्डवेयर, या फिर इसका आप इसके बाद आप लोगों को जो है नेटवर्क टेक्नीशियन, या फिर आप लोग का जो है मैक्ट्रॉनिक, और इसके अलावा आप लोग जो डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी कर रखा है तो भी आप लोग यहाँ पे RM के लिए एलिजिबल हैं रेडियो मैकेनिक के लिए। यदि ये सब भी नहीं है तो आप लोग 12th क्लास पास हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 60% एग्रीग्रेड आप लोग के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में होने चाहिए PCM में। तो बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही अच्छी क्वालिफिकेशन वगैरह है। आप लोग देखिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे पूछिए। एज की बात की जाए तो एज आप लोग की लास्ट डेट यानी कि 19/9/2022 को आप लोग की एज काउंट होने वाली है। एज आप लोग की 18-25 जनरल की और 18-28 OBC और SC/ST के 18-30 साल रहने वाली। इसी प्रकार से यदि आप लोग सर्विंग कैंडिडेट हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट वगैरह, तो आप लोग को एज में जैसे बेनिफिट मिलता है आप लोग को मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पे जैसे ही नीचे आएंगे आप लोग को फैमिली मेंबर्स के बारे में बताएगा, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट जो है आप लोग का फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे मेल कैंडिडेट यदि आप लोग जनरल OBC SC से आते हैं तो 168 सेंटीमीटर चेस्ट आप लोग की 80 और फ्लॉक 85 होनी चाहिए वेट आप लोग का जो हाइट के अकॉर्डिंग होगा। फीमेल कैंडिडेट यदि आप लोग जनरल OBC SC से आती है तो 157 सेंटीमीटर हाइट चेस्ट नॉट एप्लीकेबल और वेट आप लोग का हाइट के अकॉर्डिंग होगा। इसी प्रकार से यदि आप लोग मेल कैंडिडेट हैं और आप लोग आते हैं गढ़वाली कुमारी डोगरा मराठा और गढ़वाली कुमारी डोगरा, ठीक है, इसमें आप लोग लेह लद्दाख कश्मीर वैली नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आते हैं आप लोग, तो आप लोग की यहाँ पे हाइट में 3 सेंटीमीटर का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाएगी आप लोग की। और इसी प्रकार से यदि आप लोग ST कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आप लोगों को 5.5 सेंटीमीटर का रिलीफ मिलेगा, यानी कि 162.5 आप लोग की हाइट होनी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग नीचे आएंगे तो आप लोग फीमेल देखेंगे, ठीक है, फीमेल का भी आप लोग को दिया गया, फीमेल की जो हाइट यहाँ पे 155 सेंटीमीटर हो जाएगी यदि आप लोग आती हैं गढ़वाली कुमारी डोगरा मराठा और जो आप लोग स्टेट वगैरह नॉर्थ ईस्ट के, और यदि आप लोग ST कैंडिडेट हो तो 154 सेंटीमीटर आप लोग की यहाँ पे हाइट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग की हाइट वेट चेस्ट आप लोग रीड करेंगे और फिजिकल वाला वीडियो मेरा आप लोग देखेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलेगी। EWS की जानकारी दी गई, EWS आप लोग किस प्रकार का होना चाहिए, इन सब चीज़ों की रीड आप लोग करेंगे। एलिजिबिलिटी फॉर एक्स सर्विसमैन की जानकारी दी है, कंपनसेशन अपॉन BSF सर्विस पर्सनल की जानकारी दी है, मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ टेस्ट, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले आप लोगों को रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम आप लोगों को दोनों ही के लिए अलग अलग होगा, आरओ के लिए भी अलग होगा, आरएम के लिए अलग होगा, ध्यान देखिए, ठीक है। यदि आप लोग दोनों के लिए अप्लाई किया दोनों रिटर्न एग्जाम देने होंगे, किसी एक के लिए अप्लाई करो तो किसी एक को देना पड़ेगा। 20 तारीख की डेट आप लोग को दी गई, मैंने आप लोग को बताया 2 घंटे का आप लोगों का पेपर होने वाला है, ध्यान रखिएगा। पेपर आप लोगों का बिल्कुल सेम है, फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश और GK आप लोग की आने वाली 40-20-20 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का आप लोग का होने वाला है। फिजिक्स 40 नंबर की, मैथ 20 नंबर की, केमिस्ट्री 20 नंबर की, इंग्लिश GK 20 नंबर की, 100 क्वेश्चन 200 नंबर के 10+2 लेवल का आप लोग का पेपर आने वाला है। इसके साथ साथ आप लोग करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस के क्वेश्चन भी आप लोग को देखने मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग आप लोग की होने वाली है 0.25, ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा आप लोग जैसे ही नीचे आएंगे, आप लोग को मिनिमम पासिंग मार्क्स वगैरह दिए गए हैं। सेकंड फेस आप लोग का यहाँ पे होगा। सेकंड फेस में आप लोग क्लियर कर दूँ, यहाँ पे 20 टाइम स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग को बुलाए जाएंगे, पास किए जाएंगे रिटर्न एग्जाम में, सेकंड फेज के लिए बुलाए जाएंगे। सेकंड फेज में आप लोग का फिजिकल होने वाला है, यानी कि PET PST होने वाला है। तो ऊपर आप लोग को मैंने PST की जानकारी दी थी, आप लोग देख सकते हैं हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह। इसके अलावा आप लोग की PET है, यदि आप लोग मेल कैंडिडेट है तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंतर्गत मेल कैंडिडेट 1600 मीटर की रनिंग होगी, 6.5 मिनट का टाइम मिलेगा। लॉन्ग जंप आप लोग की 11 फीट 3 चांस मिलेंगे, और हाई जंप आप लोग की 3.5 फीट 3 चांस आप लोग को मिलने वाला है, ठीक है। यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट है तो आप लोग को मैंने PST की जानकारी ऊपर दे दी है। और इसके अलावा आप लोग की PET में 800 मीटर की रनिंग होगी, 4 मिनट का टाइम मिलेगा। 9 फीट आप लोग की लॉन्ग जंप होगी, 3 चांस मिलेंगे। 3 फीट की हाई जंप होगी, 3 चांस आप लोग को मिलने वाले। तो इस प्रकार से PET PST और डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है। और इसके अलावा आप लोग को जो डॉक्यूमेंटेशन की जानकारी दी गई, ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद आप लोग नीचे आएंगे, डिटेंशन टेस्ट भी यहाँ पे होगा। यदि आप लोग हेड कांस्टेबल RO के लिए भरेंगे तो आप लोग का PET PST के साथ साथ डिटेंशन टेस्ट होगा। डिटेंशन टेस्ट आप लोग का इंग्लिश में राइटिंग होगी, ठीक है, 100 वर्ड का लिखना होगा जिसमें 50 नंबर का होने वाला है। इसके अलावा पैराग्राफ रीडिंग आप लोग की होगी, जिसमें कि पंक्चुएशन वगैरह रीडिंग ऑफ द कैंडिडेट की जो पंक्चुएशन प्रोफिशिएंसी देखी जाएगी, क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है, ठीक है। तो इसमें आप लोग की डिटेंशन की 38% जनरल OBC SC पासिंग मार्क्स है, और 33% है SC ST वालों के लिए पासिंग मार्क। तो सिर्फ और सिर्फ ही आप लोग का RO वालों का होगा PET PST के बाद, RM वालों का कुछ नहीं होगा। RM वालों को फिर थर्ड फेज के लिए बुलाया जाएगा, आप लोग का थर्ड फेज होगा। थर्ड फेज में आप लोग का मेडिकल होने वाला है, ठीक है। मेडिकल की जानकारी आप लोग यहाँ पे ले लेंगे, मेडिकल में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग उसे दूर करते चलेंगे, क्योंकि सभी डेट आप लोग यहाँ पे दे दी गई। आप लोग देखेंगे यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई 20 अगस्त से 19 सितंबर तक आप लोग के चलने वाले हैं। मोड ऑफ पेमेंट आप लोग को बता दिए, 100 रुपये फीस लगने वाली है यदि आप लोग जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो। इसके अलावा यदि आप लोग SC ST फीमेल हैं तो आप लोग की फीस नहीं लगने वाली, लेकिन 40 से 47 पर 20 पैसे आप लोगों को 47 रुपये के आसपास आप लोग को देने पड़ेंगे CSC चार्ज, कॉमन सर्विस सेंटर चार्ज, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर की जानकारी दी गई, आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे ही आप लोग नीचे आएंगे, आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर किया गया, कैंडिडेट अप्लाइंग बोथ पोस्ट RO RM विल हैव अप्लाई ऑनलाइन ईच पोस्ट सेपरेटली। ध्यान रखिएगा, दोनों पोस्ट में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए आप लोग अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, अलग अलग फीस देनी पड़ेगी, और अलग अलग ही आप लोग का यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होने वाला है। बिल्कुल क्लियर जानकारी आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जानकारी आप लोग लीजिएगा, ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैंने आप लोग को बता दी, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे होने चाहिए इसकी भी जानकारी आप लोग दे। तो इसके अलावा भी आप लोग कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है, आप लोग नोटिफिकेशन रीड कीजिए, वीडियो एक बार देखिए, दो बार देखिए। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, और जान से देखूँगा यदि चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आपको लगता है। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।